फाइव मिथ्स ऑफ टोटल नी रिप्लेसमेंट, पांच ऐसे मिथ जो नी रिप्लेसमेंट के बारे में आपको गुमराह करते हैं। नंबर वन, लाइफ ऑफ द इम्प्लांट। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि पेशेंट के मन में ये डर होता है कि जो घुटना हम लोग डलवाएंगे उसकी लाइफ सिर्फ 10 साल है या 5 साल है। तो दोस्तों, जो आजकल की टेक्नोलॉजी के साथ जो घुटने डलते हैं उनकी जो लाइफ है वो अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 साल रहती है, और कुछ कुछ इम्प्लांट ऐसे भी आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जो उनकी लाइफ है वो 30 से 35 साल है। दूसरा मुद्दा, मोटे लोगों में जो नी रिप्लेसमेंट है वो बिल्कुल ही कामयाब नहीं है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, तो स्टडीज़ में भी देखा गया है कि जो मोटे लोग हैं उसमें भी नी रिप्लेसमेंट उतना ही कामयाब है जितना कि पतले लोगों में। अगर आपका सर्जन बहुत ही स्किलफुल सर्जन है, एक हाई वॉल्यूम सर्जन है, तो वो सही तरीके से और सही इम्प्लांट को यूज़ करके आपकी नी रिप्लेसमेंट को सक्सेसफुल बना सकता है, और इसमें ये मैटर ही नहीं करता कि आपका वेट कितना है। तीसरा मिथ, घुटने बदलने के बाद असहनीय दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल की जो मॉडर्न टेक्निक है वो मल्टी मॉडल पेन मैनेजमेंट के साथ आप पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद पेन को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। बहुत बार हम लोग एपिड्यूरल एनेस्थीसिया भी लगा देते हैं जिसमें थोड़ी थोड़ी ड्रग ऑपरेशन के बाद भी पेशेंट को जाती रहती है और पेशेंट का पेन बहुत ही बिल्कुल ही ठीक रहता है। तो जो आजकल की टेक्नोलॉजी है वो बहुत आगे बढ़ गई है, ऐसे में जो आपका पेन है वो ऑपरेशन के बाद बहुत ही कम कर दिया जाता है और जो बहुत ही जल्दी आपकी रिकवरी भी हो जाती है। चौथा मिथ, घुटना बदलने के बाद आप आलती बालती नहीं मार सकते और नीचे नहीं बैठ सकते। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल हाई फ्लेक्शन नहीं आने के बाद आप आलती बालती भी आराम से मार सकते हैं, और अगर आप चाहें तो जमीन पे भी बैठ सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक मिथ है। आप हाई फ्लेक्शन नहीं और अच्छे इम्प्लांट के साथ जाइए तो बहुत ही अच्छे से आप आलती बालती भी मार सकेंगे और नीचे भी बैठ सकेंगे। पांचवा मिथ, आपको घुटना बदलने के बाद एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि घुटने में हम लोग सिर्फ नी की कैपिंग चेंज करते हैं, लेकिन जो घुटने का चलाना या उसकी संरचना करना है वो मांसपेशियां है। तो अगर आप अपनी मांसपेशियों को, जिसमें हम हैमस्ट्रिंग मसल्स और क्वाड्रिसेप्स मसल्स बोलते हैं, उनको स्ट्रांग रखते हैं, तो आपका घुटना, आपकी स्पीड बहुत अच्छे से इंक्रीज हो जाएगी और आप अपनी लाइफ को इंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।